लोकसभा चुनाव के परिणामों से पहले एक बार फिर चुनाव आयोग विपक्षी दलों के निशाने पर है। कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जता रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है। मुख्य सचेतक महेश जोशी का कहना है कि जिस प्रकार से भाजपा जीत के प्रति आश्वस्त दिख रही है उससे पूरी तरह लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। जोशी ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव परिणाम से दो दिन पहले ही भाजपा प्रत्याशी ने बयान दिया था कि भाजपा को करीब 8,65,000 वोट मिलेंगे और कांग्रेस को 3.5 लाख, जिसके बाद ये सवाल खड़ा होता है कि उनके पास आंकड़ा कहां से आया। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि चुनाव आयोग को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर खाचरियावास ने कहा कि ये बीजेपी की माहौल बनाने की रणनीति है। मिलकर ईवीएम पर शक पैदा कर रहे हैं। ईवीएम के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि जब कोई चीज़ शक के घेरे में आ जाती है तो इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी बनती है, बल्कि इवन प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी बनती है कि देश के लोगों को विश्वास मिले, देश के लोगों के जो शक हैं उनको दूर करें। और अगर ईवीएम के बारे में इतने सारे राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए हैं तो इन सवालों का जवाब देने के लिए ईवीएम को बंद करके जो आम तौर पर पूरी दुनिया में वोट जो मतपत्रों से जो मत डाले जाते हैं उस व्यवस्था को लागू करने की नैतिक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की थी, जिसमें वो असफल रहे हैं। लेकिन सरकार को उसकी बात का जवाब देने का कर्तव्य बनता है, सरकार का अधिकार है लोगों का। अब लोगों ने सवाल खड़े किए क्योंकि बीजेपी ने जिस ढंग से एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल तो खैर खारिज होंगे 100%। मैं आज आपसे कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, ये बीजेपी के जो उठा रहे ना ये 150 से ऊपर जाएंगे ही नहीं, ये वहीं पर अटके रहेंगे। इनकी स्थिति और ज्यादा बिगड़ेगी, बुरी तरह पिटेंगे। एग्जिट पोल भी बार बार अपने आंकड़े बदल रहा है। जब सारी सच्चाई सामने आएगी, क्या उनके फेवर के वोट है, क्या खिलाफ के भी वोट है, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। छेड़छाड़ का डर है क्या ईवीएम में? एक बात आप मानकर चलिए, ईवीएम पर पूरा देश सवाल खड़े कर रहा है और हम भी सवाल खड़े कर रहे हैं, सब हर आदमी के। ये हम नहीं, आम मतदाता भी बोलता है कि यदि देश नहीं चाहता है तो बैलेट से करा लो। और ऐसे में सवाल खड़े हुए तो वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब आज तक चुनाव आयोग ने नहीं दे पाया। सिर्फ एक अकेली बीजेपी है जो ये कहती है हम ईवीएम के साथ खड़े हैं, और सारा विपक्ष सारा देश मतपत्र के साथ खड़ा है।